फ्रेंड्स, अपना जो अभी आज का एक नया लॉग मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये हमारी नॉर्मल डिलीवरी की पेशेंट है। आज इसका सुबह डिलीवरी हुआ है, नॉर्मल सुबह ऑलमोस्ट 11 बजे। अभी मैं 3 बजे ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो आज का उसका नॉर्मल डिलीवरी का डे 0 है। तो आज का पहला दिन आपका कैसे रहता है? जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है तो आपने बहुत बड़ा रेस जीते रहते कि आप वो पूरे लेबर पेन सहन करते हैं, फिर वो बच्चा बाहर आता है, फिर डॉक्टर आपके स्टिच लेते हैं जिसको हम लोग एपिजियोटॉमी बोलते हैं। तो उसके बाद आपका रिकवरी टाइम कैसे रहता है? आप उठ पाते हैं या बैठ पाते हैं या नहीं, आप खाना खाते हैं या नहीं, ऐसे बहुत सारी शंकाएं आपके मन में रहती। तो ये पेशेंट है हमारी, इसका सुबह ये 7 बजे इसका मुझे फ़ोन आया कि डॉक्टर हल्का हल्का ब्लीडिंग हो रहा है। तो मैंने उसको बोला कि आप तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। वो ऑलमोस्ट 39 वीक्स कंप्लीट कर रही थी, उसको कल डिलीवरी चाहिए थी, उसने प्लान किया था, लेकिन उसको आज ही लेबर पेन शुरू हुए। फिर जब वो हॉस्पिटल में आई तब वो 2 फिंगर थी और बहुत ही हल्के हल्के पेन थे उसको। तो हम लोगों ने क्या, एक सर्विप्राइम करके जेल आता है, मतलब ये लेबर पेन बढ़ाने की दवाई आती है जिससे सर्विक्स भी अच्छे से डायलेट होता है और पेन्स भी बढ़ते हैं। तो वो जेल हम लोगों ने उसके वजाइना में डाला, उसके पेन्स और बढ़ गए। फिर जब 10 बजे मैंने उसका इंटरनल चेकअप किया तो अच्छे से वो 4-5 सेंटीमीटर डायलेटेड थी और उसको बहुत अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन आ रहे थे। वो चिल्ला रही थी पेन, मतलब उसको ऑलमोस्ट एक 10 मिनट्स में 2 या 3 बार कॉन्ट्रैक्शन आ रहे थे और वो कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से 1-1.5 मिनट लास्टिंग थे। फिर हमने उसके लेबर को और बढ़ाया, जिसको ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर बोलते हैं। सर्विक्स डायलेट होने के इंजेक्शन आते हैं, इंजेक्शन ट्रोटीन बस्कोपेन, वो दिए और उसके बाद में ओपीडी को चले गए। मैंने स्टाफ को इन्फॉर्म करके रखा कि पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में या लेबर रूम में ले लो, जैसे फुल डायलेट होती मुझे इन्फॉर्म करो। तो पेशेंट एकदम से एक आधे एक घंटे में फुल डायलेट हो भी गई। 11 बजे उसका डिलीवरी किया। जब उसका बच्चे का हेड दिख रहा था तो उसके साथ में हम लोग को ऐसे येलो कलर का थिक पानी दिख रहा था जो कि बच्चे के अराउंड का पानी था और बच्चे ने पॉटी किया था, जिसको हम लोग म्यूकोनियम स्टेम लाइकर बोलते। तो इसकी वजह से मुझे वो बच्चा बहुत जल्दी बाहर निकालना था। तो मैंने वैक्यूम लगाया, छोटा सा कट दिया नीचे जिसको हम लोग एपिजियोटॉमी बोलते, और फिर बच्चा बाहर निकला। तो उसको एकदम से क्यूट बच्ची हुई है, इससे डॉटर, ये सेकंड ग्रेविडा है, इसको पहले भी एक बेटी है। कितने साल की पहली बेटी? पहली बेटी उसकी 7 साल की है और अभी ये बच्ची भी अच्छी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। लकीली वो पॉटी बच्ची ने निकली नहीं है, वो डॉक्टर ने पूरा पेट से उसका पॉटी निकाला, उसको स्टमक वॉश बोलते हम लोग। फिर बच्चे को ऑक्सीजन वगैरह भी नहीं लगा, रेगुलर उसका वैक्सीन वगैरह हो गया। एक आधे घंटे में भी नहीं, 15 मिनट्स में उसको छोटा सा कट दिया था, ऑलमोस्ट एक 3-4 सेंटीमीटर होगा, जिसको एपिजियोटॉमी बोलते हम लोग। उसको मैंने स्टिच किया, कैटगट करके सुचर से हम लोग स्टिच करते हैं। फिर स्टाफ ने पेशेंट को रूम में शिफ्ट किया। तो अभी आपका जब डिलीवरी हो जाता है, इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी आपका हम लोग क्या क्या टेक केयर करते हैं या आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है? देखो, पहली चीज़ हम लोग देखते हैं कि ये पेशेंट का पल्स तो ठीक है या नहीं, क्योंकि जब उनको लेबर पेन आते हैं तो वो बहुत एंग्शियस रहते हैं, बहुत दर्द आते हैं, पेन्स रहते हैं उनको, तो उनका पल्स बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ता है। तो वो बैक टू नॉर्मल हुई या नहीं वो देखते हैं हम लोग। दूसरा इंपॉर्टेंट, हम लोग उनका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। जब भी पेशेंट लेबर में रहते हैं तो वो भूखे रहते हैं, कुछ खा नहीं पाते, पानी नहीं ले पाते, डिहाइड्रेटेड रहते हैं, तो हम लोग उनको आईवी फ्लूइड्स देते हैं। लेबर में जब रहते तभी भी देते हैं, डिलीवरी के वक्त भी देते हैं और पोस्ट डिलीवरी भी देते हैं। स्टिल हम लोग पेशेंट का पल्स बीपी बहुत बेसिक वाइटल है वो चेक करते कि वो उसका नॉर्मल चल रहा है नहीं, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी रहो या सिजेरियन रहो, एक 24 घंटा आप रिस्क में रहते हैं कि आपको ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है ना, क्योंकि ये जो यूट्रस रहता है 9 महीने आपका यूट्रस पूरा खींचा हुआ रहता है, तो उसको बैक टू नॉर्मल होने को टाइम लगता है। और अगर वो बैक टू नॉर्मल नहीं हुआ तो यूट्रस रिएक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग, तो आपको वजाइनल ब्लीडिंग होता है या कभी कभी वो ब्लड वजाइना में कलेक्ट होता है। और उस केस में आपको क्या होगा, आपको वीकनेस आएगा, आपका बीपी कम हो जाएगा, आपका पल्स बढ़ेगा। तो ये बेसिक वाइटल हम लोग डिलीवरी के 2 घंटे के बाद स्टाफ चेक करके मुझे इन्फॉर्म करते। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हम लोग वजाइनल ब्लीडिंग, कि रेगुलर थोड़ा सा ब्लीडिंग रहता है लेकिन आपको बहुत ज़्यादा तो ब्लीडिंग नहीं हो रहा है ना, आपको बहुत ज़्यादा क्लॉट्स तो पास नहीं हो रहे ना, वजाइना में ब्लड तो कलेक्ट नहीं हो रहा है ना, ये सब असिस्टेंट डॉक्टर और स्टाफ चेक करते, जिसको हम लोग पोस्ट ऑफ 2 घंटे के बाद का राउंड बोलते, जो मुझे स्टाफ इन्फॉर्म करते उसका पल्स बीपी, उसको ब्लीडिंग तो नहीं है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग देखते कि पेशेंट ने यूरिन पास किया है,
पेशेंट खुद से उठ के वॉशरूम लेके जाते हैं और उसने यूरिन पास किया है नहीं वो हम लोग चेक करते हैं, क्योंकि अगर उसने यूरिन पास नहीं किया तो वो जो फुल ब्लैडर है वो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देता और ब्लीडिंग और बढ़ जाता है। तो कंपलसरी नॉर्मल डिलीवरी के 2 घंटे बाद हम लोग पेशेंट को यूरिन पास करने को बोलते हैं। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग देखते हैं कि वो एपिजोटॉमी के स्टिचेस। कभी कभी क्या होता है कि घाई घाई में डॉक्टर स्टिचेस कर लेते हैं लेकिन एक आध इंटरनल ब्लीडर छूट जाता है और अंदर के अंदर ब्लड कलेक्ट होने लगता है, तो उस केस में पेशेंट को क्या सिम्टम रहेंगे, उसका जो एपिजोटॉमी है वो पूरा सूज जाएगा, वहाँ पे बहुत बड़ा स्वेलिंग दिखेगा, पेशेंट को पेन रहेगा, पेशेंट इतनी कंफर्टेबली बैठ नहीं पाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा टेंडरनेस रहेगा। तो तुरंत वो एपिजोटॉमी स्टाफ चेक करते हैं 2 घंटे के बाद और मेट्रोजिल पी ऑइंटमेंट या बिटाडीन ऑइंटमेंट वहाँ पे लगाते हैं ताकि वो स्टराइल रहेगा। ये हो गया, हम लोग इमिडिएट 2 घंटे के बाद पेशेंट की कौन सी चीज़ें देखते हैं वो इम्पोर्टेंट चीज़ें। अभी और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है कि हम लोग सलाइन लगाते हैं, क्योंकि पेशेंट ने पेन सहन किए रहते हैं 8 घंटा 9 घंटा, तो पेशेंट बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हुई रहती है, पेशेंट तुरंत खाना भी नहीं खा पाती, तो हम लोग उनको सलाइन रखते डिलीवरी के बाद एक 3 से 4 सलाइन देते हैं हम लोग एक 24 घंटे में, तो पेशेंट का एक IV फ्लूइड का बॉटल ख़त्म हुआ है। अभी खाने के रिलेटेड हम लोग इनको क्या बोलते हैं, आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, आपको एनेस्थेसिया नहीं दिया है, तो आपको खाने का एज सच कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप सब खाना खा सकते हैं। काय काय खाल्लं तू, क्या क्या लिया जुली? दाल राइस लिया और सब्जी ली। देखो अभी ये पेशेंट की, ये पेशेंट भी नहीं है, शी इज़ अ मम्मा, एक्चुअली 11 बजे उसका डिलीवरी हुआ है, तो अभी 3 बज रहे, तो उसने बढ़िया खाना खाया है, सॉफ्ट डाइट लिया है, दाल राइस खाया है, उसके पहले उसने तो चाय वगैरह भी कुछ लिया था। हाँ, तो खाने में आपको कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप सब खा सकते हैं, ऐसा नहीं कि तुरंत डिलीवरी हुआ है बाबा खट्टा नहीं खाना है, तीखा नहीं खाना है, वैसा कुछ भी नहीं, खाने का कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं, हम लोग पूरा खाने को बोलते हैं हम लोग इनको। अभी इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन हम लोग क्या बोलते हैं इनको, कि नीचे इनको एपिजोटॉमी करके ऐसे स्टिच आया है, तो ये अगर ऐसा नॉर्मल मांडी डाल के बैठेगी, जिसको पालथी मांडी बोलती है, ऐसे पैर क्रॉस करके, तो ये स्टिचेस पे उसके प्रेशर आएगा और वो स्टिच ओपन होने के रिस्क है, तो हम लोग पेशेंट को ऐसे पैर सीधा करके बैठने को बोलते हैं। बच्चे को फीड भी करना रहा तो वो पैर सीधा करेगी, इसके ऊपर कुशन लेगी और फिर बेबी को फीड करेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है और ये आपको 1.5 से 2 महीना फॉलो करना है। आप अगर ऐसा मांडी डाल के बैठे, बच्चे को फीड किया, गए गए में आपके ध्यान में नहीं रहा, तो नीचे के स्टिचेस खुल जाते और आपका एपिजोटॉमी ओपन हो जाता है, और वो ओपन हुआ एपिजोटॉमी बहुत मुश्किल जाता है बाद में हीलिंग के लिए, वापस से स्टिच लेने पड़ते हैं, वो एरिया इतना अनकम्फर्टेबल रहता है कि आप किसी को बोल नहीं सकते, ऊपर यूरिन का पैसेज रहता है, नीचे मोशन का पैसेज रहता है, तो वो जल्दी इन्फेक्ट भी होता है, तो आपको आपके स्टिचेस का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नॉर्मल डिलीवरी के बाद अगर आपको स्टिचेस लिए हैं तो आपको पैर सीधा करके ही बैठना है, पैर सीधा करके ही बच्चे को फीड करना है। ये वेयर रिगार्डिंग द पोजिशन। अभी हम लोग इनको खाने में और एक चीज़ बोलते हैं कि दूध, जैसे मैंने सीजेरियन के लोगों को बताया था कि डिलीवरी के बाद, सीजेरियन के बाद 2nd डे से हम लोग उनको दूध बोलते हैं, वैसे ये लोगों को खाने का कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इनको हम लोग 0 से ही दूध पीने को बोलते हैं। मैं 6 ग्लास दूध बोलती हूँ, 1 ग्लास दूध में वो दूध बढ़ने का पाउडर है वो 2 चम्मच, ऐसे 3 ग्लास और प्लेन दूध 3 ग्लास, ऐसे 6 ग्लास दूध लेने को बोलती हूँ, जिससे उसको दूध आएगा और मदर का दूध बढ़ेगा। अभी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टास्क है इन लोग का ब्रेस्ट फीडिंग का। अभी देखो आपने मदर देखी है 12, 1, 2, 3 हार्डली 4 घंटे हुए हैं, वो काफ़ी कंफर्टेबल है, तो इसको ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करना है। ब्रेस्ट फीडिंग क्यों स्टार्ट करना है, एक तो बच्चे को मदर को लैच करना है, बॉन्डिंग बढ़ता है, बच्चे को लैच किया, बच्चे को लिया कि मदर को ऑटोमेटिक दूध भी आता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बच्चे को जो फॉर्मूला मिल्क देते हैं हम लोग वो वाटी स्पून का रहता है, उसमें उन लोग को सिर्फ निगलना रहता है, तो वो उनके लिए बहुत इजी फीडिंग रहता है, लेकिन यहाँ पे उन लोग को सक करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तो ये बच्चे बाद में सक नहीं करते। तो नॉर्मल डिलीवरी रही या सीजेरियन रहो, 2-2 घंटे में बच्चा उठा कि आपको ब्रेस्ट पे लेना है, 1/2 घंटा लेके बैठना है, प्रॉपर पोजिशन सीख के लेना है और बच्चे को फीड करना है, ये मदर को अच्छा दूध आने को 4-5 दिन लगेंगे, लेकिन बच्चे को सकिंग की आदत लगनी है, आप जितना बच्चे को पास में ले गए उतना आपको दूध भी आएगा, प्लस बच्चे को सकिंग की आदत लगेगी। अभी और 2 चीज़ें करते हम लोग, जनरली इनको जो पेन रहता है
वो पेन बियरेबल रहता है, सहन करते हैं लोग, तो हम लोग इनको टैबलेट पे शिफ्ट करते हैं, सिर्फ इंट्राकैत रखते हैं। 24 घंटे के बाद इनका हीमोग्लोबिन रिपीट करते हैं, अगर हीमोग्लोबिन बहुत कम हुआ तो फिर उसका इंजेक्शन लगाते हैं। हम लोग अलग से इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक नहीं देते हैं, इनको ओरल टैबलेट पे ही शिफ्ट करते और ओरल पेन किलर देते। और अगर बहुत ही पेशेंट को पेन हो रहा है तो हम लोग सलाइन में से पेन किलर देते। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई। और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्टूल सॉफ्टनर। स्टूल सॉफ्टनर यानी क्या रहते हैं कि जनरली अगर आपको हार्ड स्टूल हो रहा है या आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो वो आप जब प्रेशर क्रिएट करेंगे तो वो स्टिचेस पे प्रेशर आएगा, स्टिचेस ओपन हो सकते हैं। तो इसकी वजह से हम लोग इनको ये लैक्टुलोज करके सिरप है ये हम लोग कंपलसरी इनको देते हैं खाने के बाद। मतलब अभी उसने लंच किया है तो लंच के बाद स्टाफ ने दिया इसको 30 ml, रात को भी वो जब डिनर करेगी तो उसके बाद लेंगे, ताकि उसको स्टूल सॉफ्ट होगा, वो स्ट्रेन नहीं करेगी, उसके स्टिचेस पे प्रेशर नहीं आएगा और स्टिचेस ओपन नहीं होंगे। तो फिर ये सब हुआ फ्रेंड्स अपना डे जीरो ऑफ नॉर्मल डिलीवरी, जिसमें हम लोग इमीडिएट डिलीवरी के बाद पेशेंट को क्या क्या एडवाइस देते हैं, पेशेंट का कैसे टेक केयर करते हैं, कौन सी चीज़ों का प्रिकॉशन बोलते हैं। जूली तेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा अभी? ऑल गुड, अभी ठीक लग रहा है? बच्चे को लिया तो नहीं ब्रेस्ट फीडिंग के लिए? कितनी बार लिया? वन टाइम लिया। जम रहा है बच्चा? शक्कर रहा है? दूध लिया कितना लिया? थोड़ा दी मैंने। अच्छा नहीं, तूने दूध नहीं पिया ना अभी तक? ओके। यूरिन पास किया? दो टाइम। तो देखो आपको मम्मीज दिख रही है कितनी फ्रेश लग रही है, उसने खाना भी खाया, बच्चे को एक टाइम लैच भी किया, दो बार वो यूरिन को भी गई। तो नॉर्मल डिलीवरी में आपको पेन होता है लेकिन उसके बाद आपकी रिकवरी बहुत फास्ट रहती है फ्रेंड्स। तो आपका अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रहा है, आपको अच्छे से पेन आ रहा है, आपका सर्विक्स अच्छे से डायलेट हो रहा है, तो थोड़ा आप पेन सहन करो, थोड़ा पेशेंस रखो, आपकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है। आप तुरंत आपके बेबी को लेते, तुरंत खाना खाने को स्टार्ट करते। अभी इसको मैं कल इवनिंग को या परसों मॉर्निंग डिस्चार्ज करने वाली हूँ, मतलब हार्डली 48 आवर का स्टे रहता है हॉस्पिटल में। तो होप्स हो कि आपको ये लॉग पसंद आया, आपने एंजॉय किया। तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनका डिलीवरी ड्यू है उनके साथ ये शेयर करो और हम लोग को ऐसे ही फॉलो करते हो। थैंक यू।